आज हम लसोड़ा की सब्जी बनाएंगे। इसको गुजराती में गुंदा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, खाने में इतना ही टेस्टी है। जनरली ये भर के बनाएंगे, लेकिन आज हम बिना भरे इसकी सब्जी बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। यहाँ पर मैंने लसोड़ा ले लिया है, इसको हम तोड़ के उसके बीज निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे तोड़ डालूँगी और इसको बीज निकाल देंगे। तो इसको चप्पू की मदद से हम सारे बीज निकाल देंगे। तो वैसे ही सारे मैंने धो के ले लिए थे और इसको अच्छे से पोंछ लिया था, उसके बाद इसके बीज निकाल दिया है। तो ये सारे बीज निकल गए हैं। इसके बाद हम बीज में से इसका कटिंग कर देंगे। अगर आपको भर के बनाना है तो भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन इससे ही बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। अभी एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर मैंने 2 स्पून ऑयल ले लिया है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा राई डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी सी हम हींग डाल देंगे। इसके बाद हमने जो लसोड़ा है उसको काट के रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं तो ना उसको बॉईल करूँगी ना उसको बाफूँगी, लेकिन एकदम बढ़िया से ये सब्जी रेडी हो जाती है। एक मसाला बनाएंगे जो इसके अंदर डालेंगे। 2 स्पून हमने मूँगफली ले ली है, 1 स्पून हम लाल मिर्ची ले लेंगे, 1 स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 स्पून हम हल्दी डाल देंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, 5 से 6 कड़ी हम लहसुन की डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया डाल देंगे और 2 स्पून हम बेसन डाल देंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर शुगर डालेंगे ताकि ये एकदम बढ़िया मसाला लगेगा। तो ये मैंने पीस के रख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पक गया है कि नहीं वो देखेंगे। तो हम धीरे आंच पे इसको रखेंगे और अच्छे से पकाएंगे। इसको बीच में हम चलाते रहेंगे और ढक के वापस हम रख देंगे। इसके बाद वापस से हम देख लेंगे तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और उसकी पूरी चिकास निकल गई है। तो वैसे ही हमको करना है, ये अच्छे से पक गया है आप देख सकते हो, तो वैसे ही हमको पकाना है। इसके बाद हमने जो मसाला बनाया है वो 2 स्पून हम डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, चॉइस आपके हिसाब से आप कर सकते हो। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मसाला एकदम बढ़िया से पक रहा है आप देख सकते हो। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं वापस ढक के इसको रख दूँगी। तो इसको धीरे आंच पे ही हमको करना है। तो इसको ढक के मैंने रख दिया है और एकदम अच्छे से ये पक गया है। तो आप देख सकते हो कि मसाला और एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो ये सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। तो लसोड़े की सब्जी आपको बनानी है तो आप ऐसे ही बना के सर्व करोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैंने सर्व कर दिया है तो लुक वाइज यम्मी टेस्टी ऐसे हमारी सब्जी रेडी हो गई है। समर के टाइम ये सब्जी बना के खा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।